नमस्कार मिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे आपई बहुत ही टेस्टी गोटे नुआ बिरयानी रेसिपी नहीं की आसचे। मुझे आपण मानक पोटल आलू रे दम बिरयानी करके देखेबी। यदि आपण मैंने पोटल बिरयानी बनई ना कि खाई तेल वीडियो देखला निश्चय थे ट्राए करूँ। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगी था खावाक खास करके जो मैंने वेजिटेरियन से मूटा बहुत ही पसंद आसव। पूरा एमती परफेक्ट पोटल बिरयानी बनवा को वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखु। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। ये मुझे दम बिरयानी बनाऊँ से प्रथम राइस बनवा। राइस ये देखते मुझे 2 कप बासमती राइस नहीं प्रथम आध घंटा आगु बतुरे और 2-3 थर कि भलिकी धोदेवी। आई देखो गैस उपर मुझ हाई फ्लेम गोटे हांडी रे पूरा फुल करी की पानी नहीं पानी आप सफिसीयंट ने देखते गोटे स्टार अनिश दौर 5-6 गोलमरच दौर 2टा तेजपत्र दौर आ 2टा अधा इंच टुकड़ा मुझे डालचीनी दौर 5-6 लवंग दौर आ गोटे बड़ चमच ये लुण दौर आईटी देखु। मुझे ग्रीन अलीच दूँ आपण बदल रे जो बड़ अलीच आसे से गोटे पारे ये मुझे छोट अलीच दूँ बोली 4टा दूँ ये किसी धनिया पत्र और पुदीना पत्र पकोजी आ गोटे बड़ चमच ये रिफाइन तेल पकईबी। तापर आपको मुझे हाई फ्लेम पूरा फुटापी छाड़देवी। जिते फुटवा स्टार्ट हेतर से आम चाउल को दबा। ये आप देखिपे पानी फुटवाक लगे ये चाउल को देदेब। चाउल देलाबले आप गैस फ्लेम को हाई रखिथे हाई फ्लेम रे ही चाउल को फुटेबे आ चाउल को 80% हवा जाए ही कुक करेंगे ताठू जमा भी बेसी करेंगे नहीं ना बिरयानी में सब चाउल गुरा भांगी जब भात ये हाँ को बेसी टाइम लगे जेहेतु आम चाउल को अध घंटा बतुरे ये देखते भात अलमोस्ट हो आसान पाखु देखी आपण मैंने जानवे केमती 80% भात हो गोटे भात को एमती हाथ में ने मझीर एमती प्रेस करेंगे आ देखिए सैटा अधर एमती भांगी जाने जानवे कि यहाँ पूरा 80% होती आप गैस को बंद करदे और सब भात को स्ट्रेन करके बाहर करदे आठ जमा भी फुटेबे ना दम देलापर बिरयानी में सब चाउल गुरा भांगी जमा भी गोटा गोटा हो रही। ये देखते मुझ सब भात को छाणी की बाहर कर सारे आपको जमा भी कभर करेनि एमती खोला हावा रे एमती खेल भात को रखिए। देखो मुझ कड़ी रे 4 बड़ चमच तेल नहीं रिफाइन तेल तेल को पूरा हाई फ्लेम रे गरम कर सारापर से प्याज को भाजिकी बाहर करवा। ये मुझे 4टा मीडियम साइज़ रो प्याज को स्लाइस करके नहीं हाई फ्लेम रे पूरा गोल्डन ब्राउन पूरा क्रिस्पी हवा जाए आम भाजवा। किसी सेकेंड भितर ये देखिपे पिंजर कलर चेंज होगा लगे आई सेकेंड भितर ये पूरा गोल्डन ब्राउन रेडी होटी। देखो पिंज पूरा क्रिस्पी हो गला गोटे प्लेट को बाहर कर दूँ सब पिंज को गोटे प्लेट को बाहर कर सारापर ए कड़े ही मुझे पोटल को भाजबी। ये मुझे 8-9 मीडियम साइज रो पोटल नहीं ऊपर चोपा को हल्का तांची आईटे देखते मुझे एमती कट लगे जेहतु मुझे वीडियो रे देखुची आपड़ चाहिए आपको फाड़ फाड़ करके भी करेंगे कि मुझे गोटा पोटल बिरयानी बनाऊँ जोटा कि बहुत ही टेस्टी लगे आ देखा भी बहुत भल जीव। सब पोटल को देखिए ए गैस फ्लेम को मीडियम रखिक आपको पूरा भलसे भाजपे 2-3 मिनिट जाए। ये देखते पिंज भजा भी रेडी एबे इतरे मु अल्प टिके लुण और हलदी पकई कि भलसे भाजीदेवी। पोटल भाजवाक टाइम लगी था जेहेतु मुझे गोटा पोटल नहीं प्रथम पोटल को भाजुची तापर टिके भाजीगला 2-3 मिनिट भाजीगला ही मुझे आलू को देखिए भाजबी। ये मुझे 2टा मीडियम साइज़र आलू को चोपा छड़ी एमती बड़ बड़ खंड कर आलू पोटल को मिसेक भाजबी। जदि आप पोटल को छोट साइज़र काटिथे तेल मिसेक एकाथे आलू पोटल ही भाजपर जेहेतु मुझे गोटा पोटल नहीं पोटल को भाजी सारापर आलू को दूँ एबे आपको गोलैकी भलसे 2-3 मिनिट लो फ्लेम घोर टे छाड़देवि। ये 2-3 मिनिट पार हो गला ये देखते केते बढ़िया कलर आसवाक लगे मुझे बिना घोर कि 2-3 मिनिट भलसे गोल्डन ब्राउन कलर आसवा जे आपको मीडियम टू हाई फ्लेम भाजबि। ये
ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତେଲରୁ ମୁଁ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦେବି ସେତେବେଳେ ଏଇ ତେଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି ताकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसीबो। कारण ये तेल रे प्याज पोटल आलू सब भजा ही से तेल बहुत ही फ्लेवरफुल थाए। पोटल आलू भाजी ही गला परे एबे देखंतु मु भात रे जो गरम मसला गोटा गरम मसला दीथिली ताकू ही एटी दोउचे। आ एटी 2 बड़ चम्मच अदा रसुण रो पेस्ट दोउचे। आ एटी 2टा मीडियम साइज रो टमाटर को काटि के दोउचे। एबे आकु भले भाबे रे 2-3 मिनिट जाय भले से कसी देबे। हाथरे जो गरम मसला यूज करी ताकू दूची कारण बेसी गरम मसला देले जमा भी भल टेस्ट आसेनी बिरयानी रे। यदि आपन को पसंद बेसी गरम मसला तेल आपंती एवं देखते इसे 3-4 कंचा लंका दूची अधा छोट चमच लंका गुंड दूची अधा छोट चमच धनिया गुंड दूची आधा छोट चमच ये गरम मसला दूची तापर ये देखो 2 छोट चमच मो साही बिरयानी मसला दूची। ये सब मसला दे सारापर ए गैस फ्लेम को मीडियम टू लो रखिकी आपको गोटे 2 मिनिट जाए भलसे कसी देवे। गोटे 2 मिनिट पर मुझे दही देदेवि ये मो आधा कप फ्रेश दही नहीं भल भाव फेंटी आई थी 2-3 चमच पा देकी से बाउल को भी मुझकी से पा को दे दूची। एवं आपको मुझे भल भाव गोटे 2 मिनिट जाए एमती मीडियम टू हाई फ्लेम कसीदेवि। तापर गैस रो फ्लेम को मीडियम टू लो रखिकी ताको घोरे की 2-3 मिनिट जाए छाड़ देबे। ती 2-3 मिनिट हे गलेनी आपण माने देखि पड़तिबे मसला रु तेल अलग हवा को लागलेनी ता माने मसला पूरा भलसे कसी जाय छी। एबे इथरे मु 2-3 चम्मच पानी दे देबी आठो बेसी पानी देबेनी। आउ किछि कटा जाइतिबा धनिया पत्र पुदीना पत्र देकी मु आकु गोटे मिनिट खंडे हाई फ्लेम रे फुटेबी तापर गैस को बंद कर देबी। एठी आपण माने देखि पड़तिबे पोटल आलू रो झोल एतिकि रहिबा दरकार आठो बेसी पतला करिवेनी किबा आठो बेसी सुखा करिवेनी। एबे बिरयानी को दम देवा पे इठी देखंतु मु गोटे सिल्वर रो एमती बड़ साइज रो हांडी नहीं छी। आपण चाहिले प्रेशर कुकर बा कढ़ी रे भी दम दे परिबे। सेथिरे गोटे बड़ चम्मच गुआ घी दोउची आउ जो मु तेल बाहर करके रखथिली से तेल रो 2-3 चम्मच देखी आकु हाई फ्लेम रे गरम करके गैस को बंद कर देबी। गैस को बंद कर सारापर एबे इथरे मु बिरयानी रो लेयर बनेबी। प्रथमे मु तरकारी रो गोटे लेयर बनौची ता उपरे मु राइस रो लेयर बनेबी ता उपरे तरकारी ता उपरे राइस रो जेमति मु वीडियो रे देखौची आपण माने सेमिति ही लेयर करिवे। देखि पड़थियो मु भात रो गोटे लेयर दे सारापर सेथरे मु उपर किछि बिरयानी मसला और किसी कटा जाइवा धनिया पत्र पुदीना पत्र देबी आ जो पियाज को छाणी रखी ताकू देबी। तापर पुणी थे तरकारी तापर फेर भातर लेयर देबी। सबू दे सारापर एवं देखु से जो तेल मु बाहर करके रखी से तेल रु 2-3 चामच मुझर देवी बहुत बढ़िया फ्लेवर आसो भात रे बहुत बढ़िया शाइनिंग भी आसो। आपचय थे ये ट्राए करके देखु। एवं देखु मु 5-6 केसर पाखुड़ा को किसी गरम पानी बतुरी रखी से पानी को देदेवि बहुत बढ़िया बास्ना आ कलर आसवापी। आउ ये गोटे छोट चमच केवड़ा वाटर देवी बहुत ही बढ़िया बासना आसे केवड़ा वाटर देले। जदि आपन पाखे यहाँ नथिबा बदल रे रोज वाटर भी दे पारे केवड़ा वाटर गोटे छोट चमच रु बेसी देवेनी। देखो दम दबापी मो गोटे गैस उपरे लुहार तावा रखी और गैस को लो फ्लेम अन कर दीजिए। एबे सेथिरे बिरयानी रो हांडी को रखिकी मु भल भाव कवर करके 15 मिनिट जाए दम देवी। 15 मिनिट पर मुझक खोलिकी देखेबी आपड़ टाइम देखिकी 15 मिनिट जाए दम देवे। 15 मिनिट पर मो गैस को बंद करके 10 मिनिट एमती घोरिकी छाड़ दे थी। आईटी आप देखिपड़ती हो बहुत बढ़िया बास्ना आसूची। एवं बिरयानी को मुझे कट करके देखा ये देखो ये बिरयानी पूरा परफेक्ट हो तल बेस जमा भी बिरयानी लगनी। जदि आप ठीक से दम न देबे ताहले बिरयानी तल आड़ लिक्विड रही जाए और जदि बेसी समय आप दम देदेवे ताहले बिरयानी तल आड़ू टे पोड़ जाए
एटी पूरा परफेक्ट टाइम रे मु बिरयानी को बंद कर छी। एबे चलंतु आकु गरम गरम सर्व करिबा। एटी देखंतु पूरा परफेक्ट पोटल आलू दम बिरयानी रेडी हे गला। एटी देखि पड़तिबे भात गुरा केते बढ़िया गोटा गोटा पूरा झुरझुरा हेकि अछि आ केते बढ़िया कलर आछि। आपने बिरयानी को रायता सहित ही गरम गरम सर्व करिवे बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगते खाइबा को। आशा करछि आज रे वीडियो आपन मन को पसंद आस्थिवो। जेति पसंद आस्थिवो वीडियो को लाइक कर देबे, शेयर कर देबे, मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। सब्सक्राइब कर सल्ला परे पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करिवे। बेल आइकन को प्रेस करले मो नोवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन माने पाई परबे आ सर्वप्रथम मो वीडियो को देखि परबे। थैंक यू।